कैसे हैं आप सभी? ऐसा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो टाइम हो चुका है शाम के 5:30 हो रहे हैं और सब्जी मेरी बन चुकी है। मैं बात करते करते दीदी से और मैंने सब्जी बना ली है, तो सब्जी तो दिखाऊंगी आप सभी को क्या बनाया है। और बस आज गले में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है आज। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं सुबह से ही करने वाली थी, लेकिन बस किसी वजह से नहीं कर पाई। कि सोचती हूँ कि ये काम फ्री कर लूँ, तब करूँगी, फिर काम फ्री हो जाता है, फिर ब्लॉग क्या बनाया। तो इसलिए मैंने अभी शुरू किया। जियो का दिखाऊँ आप सबको, धुले हुए घर की हालत, सुबह धुलाई हुई थी, दोपहर ही समझो जब ये हालत जियो ने कर दी है घर की। ए खा रहा है पागल कहीं के, ये हालत कर दी है। ये खाना रखा है जियो का यहाँ पे, ये सब पूरी फाड़ फाड़ के। और अब देखो वहां जाके तसल्ली से आराम से कितने प्यार से बैठा है। अरे पागल कहीं के हट। तो बस इसका तो यही हाल है, जबरदस्ती नीचे उतारना पड़ता है, क्योंकि हम इसे चढ़ाते नहीं है खाट पे बिल्कुल भी। फिर भी इसकी ना आदत ऐसी है कि भाग के इसे खाट पे चढ़ने का होता है। तो बस आप सबके साथ वो शेयर करेंगे, सब्जी बनाइए मैंने इसी तक हल्की, वो दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए सब्जी मेरी, ये बन गई है मेरी सब्जी सीताफल की। और खा के तो पता चलेगा सब्जी, पहले तो ज्यादा सी लग रही थी, अब तो थोड़ी सी बन गई है। आम भी डाल दिए थे मैंने, तो मिलते हैं फिर आप सभी से। पहले आटा भी लगा दिया, चटनी भी रखी है मेरे पास, चटनी दिखाती हूँ आपको, चटनी भी रखी हुई है। अब कर लेती हूँ मैं पूजा, फिर मिलते हैं। मैंने सब्जी ये और दूध हो रहा है गरम बनाने के लिए, और यहाँ पे बना दिया है मैंने, दिखाती हूँ आप सभी को। रायता हो गया मेरा कंप्लीट, अभी मैंने बूंदी डाली है तो थोड़ा फोलने लेंगे। नमक वगैरह मैंने सब डाल दिया है। तो किस किस को खाना है रायता, आ जाइए आप सभी। मैंने बिल्कुल हल्की सी आज रेड मिर्च डाली, रेड चिली बोलो या लाल मिर्च, नीली चिली दोनों मिक्स। तो बस मैं रोटियां बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। भाई आग लगी, अभी मैंने ना सबने वीडियो डाल रखी स्टेटस पे, बहुत भयानक आग लगी है यहाँ। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ है, तो अभी भाभी ने डाली है तो सामने ही है। और बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी हो रखी है दीवार के उस साइड, भाभी खड़ी है, ये चलेगी। भाभी ने ऊपर से बनाई होगी वीडियो, कहाँ है देखो, धुआं देखो धुआं दिख रहा होगा, धुआं आपको बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है। बिल्डिंग में लगी है, बिल्डिंग में, सबसे बड़ी बात है बिल्डिंग में लगी है। हे भगवान सब ठीक हो। कोई फोन करके पूछती हूँ जिन्होंने लगा रखी है स्टेटस पे, कि अभी तो खैर कंट्रोल ही नहीं है। तो सॉरी मैंने टंकी चलाई हुई है, सुबह का टाइम है और पहले मैंने सोचा वीडियो आप देख सकते हो, धुआं धुआं हो रखा था और मैं इसमें बोल भी रही थी। मैं बड़ी जल्दी भाग के आई कि इतना धुआं कहाँ से आ रहा है। और धुआं की वजह से कह लो या घबराहट की वजह से, मैं आप रियल में मेरी आवाज़ सुनोगे ना, मैं थोड़ी सी शुरू से लगा दूंगी तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी और फिर मुझे वही प्रॉब्लम हो गई और बीपी भी बढ़ गया था। तो इसलिए मेरी 3-4 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने व्लॉग भी नहीं डाला। वीडियो ये 3-4 दिन के पहले का ही है। और पहले सोच रहे थे कि भगवान चलो दूसरे दिन तक यही था, ये तो मुझे भी लग रहा था कि बाद में ही पता चलता है। तो बहुत दुख हुआ कि 6 लोग इसमें झुलस कर नहीं रहे, तो घर से इतनी दूर था। इसके बाद मेरे गले में भी बहुत दिक्कत हो गई थी। और कोई कहता है 7 फैक्ट्रियाँ जल गई और कोई कहता है 5, और न्यूज़ में भी 5 ही दिखा रहे थे। जितना भी हुआ है बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है कि आग 24 घंटे लगी रही है। सुबह 9 बजे लगी थी, दूसरे दिन भी सुबह का टाइम धुआं उठ रहा था यहाँ से, और दमकल की गाड़ियाँ कह रहे हैं 25 आ गई, 25 तो 7 के साथ ही आ गई थी। और
बस गर्मी बहुत है, गर्मी हो, हाँ गर्मी ने और हवा ने ज़्यादा आँच पकड़ ली। बस फिर मैं तो फिर थोड़ा देख के घबराहट सी हो गई, फिर मैं आ गई थी अंदर। और यहाँ पे मैं बस अंदर आने के बाद फिर जियो को देख रही थी और दर्शन करा रही थी आपको, बस दर्शन कर लो। फिर यहाँ आके जो मैंने देखा घर के पास से, यहीं से मुझे नज़र आया था यहाँ से जो, तो और भी ज़्यादा जो मैंने पीछे देखा ना, पीछे अभी आपको दिखाऊंगी, पीछे से भी शायद नहीं दिखेगा, पास से अभी दिखाऊंगी आप सभी को। ये देखो धुआं, और पीछे से भी देखो इस मतलब दूसरी साइड भी बहुत बड़ा नुकसान था। और ये नहीं पता किस वजह से हुआ, ये तो पता चलता ही नहीं है, वो ही लाइट सर्किट की वजह से या इसी तरह से कुछ बता देंगे। बस तो यही सब आप सबके साथ भी फिर मैंने शेयर कर दिया है, और ब्लॉग बनाने का भी फिर आप सबको पता है काम तो पूरा चल रहा है। अभी भी सुबह सुबह धुलाई उलाई चल रही है कि धूल मिट्टी से मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं पानी डाल के सीधा धो ही देती हूँ कि ना, तो फिर धूल का होता झाड़ू लगाने का ना कुछ। और अभी भी पानी इसलिए चल रहा है, फ्रिज वगैरह साफ़ किया है अभी सुबह सुबह के टाइम जब आप सबसे बातें कर रही हूँ, और आवाज़ से भी आप सभी को लग रहा होगा। तो मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, एक आध दिन में जब भी मेरे से बने। सुनाया अभी घूम के दोस्तों से मिलके, अरे ये क्या फेंक दिया, समोसे फेंक दिया, दिखा इसमें है ना, ये बड़ा समोसा है बड़ा पिन्नी के पास। पूरा लाड प्यार कर लेगा भाई हमारा, है ना अभी किचन ऐसी है। अभी तो इसमें कम से कम 5 मिनट तो हो गगए होंगे, 5 मिनट से ऐसे प्यार कर रहा है इसे। देखो देखो अब हम जा नहीं सकते बाहर, देखिए हमारे साथ इसे दिखाइए, ये इसका सामान है इसके खाने का, ठीक है। चाट रहा है वैसे, जियो दिखा रही हूँ मैं, जियो जियो आगे आगे पापा, दिसु है दिसु आगे, थोड़ी मम्मा, अरे मम्मा कितना खुश हो रहा है, अब मैं भी परेशान, अरे ना मेरे मुंह मत चाटे भाई, मुंह मत चाटे भाई, बॉल इसकी खेलने को, समोसा दे रखा हूँ बड़ा, मेरे याद आ गई तेरे लिए तो मैं गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। अजी हाँ ये इसका पत्ता होगा, अच्छा जियो की शॉपिंग बगल, अजी पीछे पीछे खिलेगा तेरे, यूरा बैग है ये, वीडियो चलना रही इतना सब कुछ कर लिया बेचारे ने, बेचारे ने इतना कुछ कर लिया, क्या है ये, क्या है ये, ये ले गया तेरी बॉल है, खेलने का इसके लिए, अरे भाई खेलने, तेरा तो खिलौना आ गया, जियो जियो खिलौना आ गया तेरा तो, अरे मम खिलौना खिलौना, पापा आए खिलौना लाए है भाई, अब बस खुश खुश अभी खुश। देखो जी ये ना हिमांशी ने फेंक दी, अब बेचारा परेशान हो रहा है, सब चीज इकट्ठी कैसे करे, इसकी एक बॉल भी ये कहाँ है, अब देख अब ले गए, अब हिमांशी जब फेंकी हो देखियो सब चीज इकट्ठी करके एक के ऊपर पैर रखेगा, और ये कंफ्यूज है क्या क्या इकट्ठी करे। जियो पहले भी खेलते क्या था, पर मैंने जियो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो वो ले लो, इसका है ना बिल्कुल खा पिया रखा है, बिल्कुल इसी के लिए छोड़ दिए। ये मग्घा भी इसका ही है, ये देखो अब मतलब कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाना चाहता है। ए जियो जियो ले, अब बेचारा उसके
सॉरी, अब नहीं तंग करेंगे भाई, अब तंग नहीं करेंगे, तंग हो रहा है ये तंग हो गया।